तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे तमिल मूवी ईश्वरन के शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में, बेलमकुंडा श्रीनिवास की फिल्म अल्लूडो अदूर्स के भी 3 दिनों के कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ रवि तेजा की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म क्रेक के 9 दिनों के कलेक्शन के बारे में और राम पुथिनेनी की फिल्म रेड के 4 दिनों के कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे थलापति विजय सर की फिल्म मास्टर के अब तक के टोटल यानी कि 5 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तमिल फिल्म ईश्वरन के बारे में, तो ईश्वरन फिल्म मास्टर फिल्म के साथ तमिल सिनेमा में क्लेश हुई थी, जिसके चलते इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई तो नहीं मिली, लेकिन फिल्म के जो पब्लिक रिव्यूज है वो काफी पॉजिटिव आए थे। आपको बता दूं दोस्तों ईश्वरन फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 4 दिन हो चुके हैं और फिल्म के जो शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन है वो सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ईश्वरन फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन किया है 4,10,00,000 रुपए का। वही दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो है लगभग 5 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें हम अल्लूडो अदूर्स फिल्म के बारे में, तो अल्लूडो अदूर्स एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म में है बेलमकुंडा श्री साई निवास, उनके साथ में है सोनू सूद और नभा नितेश। दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म के भी जो शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन है वो सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बेलमकुंडा श्री साई निवास की फिल्म अल्लूडो अदूर्स ने शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया है 7,48,00,000 रुपए। वही इस फिल्म का 3 दिनों में इंडिया ग्रोस कलेक्शन रहा लगभग 8,80,00,000 रुपए। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में टोटल 20,00,000 रुपए की कमाई की है। इसी के साथ दोस्तों अल्लूडो अदूर्स फिल्म का शुरुआती 3 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 9 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें राम पुथिनेनी की फिल्म रेड के बारे में, तो रेड एक एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म को रिलीज किया गया था 14 जनवरी को और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 4 दिन। दोस्तों इस फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ताबड़तोड़ कमाई की और फिल्म का जो 4th दिन का कलेक्शन है वो भी काफी शानदार आता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको भाई ये बता दूं कि रेड फिल्म को अभी सिर्फ तेलुगु में रिलीज किया है, लेकिन राम पुथिनेनी की रेड फिल्म को हिंदी डब में भी बड़े पर्दे पर यानी कि सिनेमाघर में 26 जनवरी के मौके पर रिलीज किया जा सकता है। अब अगर बात करें रेड फिल्म के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों रेड फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 16,45,00,000 रुपए का। वही इस फिल्म का 3 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हुआ था 19,05,00,000 रुपए। नजर डाली जाए फिल्म के 4th दिन की ऑक्यूपेंसी पे, तो रेड फिल्म को 4th दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है 34% की, वही आफ्टरनून के शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी थी 55% और इवनिंग वाले शोज में इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली है 63% की। तो दोस्तों रेड फिल्म आज की ऑक्यूपेंसी के हिसाब से लगभग 3 करोड़ की कमाई आज कर सकती है। इसी के साथ दोस्तों रेड फिल्म का शुरुआती 4 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा लगभग 19,45,00,000 रुपए। वही इस फिल्म का 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो सकता है 24,50,00,000 रुपए। आपको बता दूं दोस्तों रेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी है। तो अब अगर बात करें मास महाराजा रवि तेजा के फिल्म जिसका नाम है क्रेक, जिस फिल्म में रवि तेजा के साथ में हमें देखने को मिली थी श्रुति हसन, तो दोस्तों क्रेक फिल्म को इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है 2रा हफ्ता और यह फिल्म 2रे हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए है और फिल्म 2रे हफ्ते में भी ताबड़तोड़ कमाई करते जा रही है। अगर बात की जाए क्रेक फिल्म के अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों क्रेक फिल्म ने शुरुआती 8 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 30,80,00,000 रुपए का। वही 8 दिनों में क्रेक फिल्म का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड रहा था 36,50,00,000 रुपए। नजर डाली जाए इस फिल्म के 9वें दिन के ऑक्यूपेंसी के ऊपर, तो दोस्तों आपको बता दें कि क्रेक फिल्म को 9वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है 65% की, वही आफ्टरनून के शोज में इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी थी 81% और इवनिंग वाले शोज में इस फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली है 86%। तो दोस्तों जिस तरह क्रेक फिल्म को 9वें दिन ऑक्यूपेंसी मिली है उसके हिसाब से यह फिल्म 9वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है लगभग 3 करोड़ रुपए। अगर 3 करोड़ रुपए यह फिल्म 9वें दिन कमा लेती है तो फिल्म का शुरुआती 9 दिनों में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 34 करोड़ यानी कि 34 करोड़ रुपए। वही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाएगा 40 करोड़ रुपए। बता दो दोस्तों रवि तेजा की फिल्म क्रेक बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है। अब अगर दोस्तों बात करें थलापति विजय सर की फिल्म मास्टर के बारे में, तो मास्टर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 5वां दिन चल रहा और फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी कहीं ज्यादा कमाई कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें थलापति विजय सर की फिल्म मास्टर ने शुरुआती 4 दिनों में
ने ऑल इंडिया नेट कलेक्शन किया था 81 करोड़ 90 लाख रुपए। वही इस फिल्म का इंडिया ग्रोस कलेक्शन 94 करोड़ 60 लाख रुपए हो चुका है और फिल्म ने 4 दिनों में ओवरसीज मार्केट से कमाई की थी लगभग 27 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों थलापति विजय सर की फिल्म मास्टर ने शुरुआती 4 दिनों में ही वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कर लिया था 122 करोड़ रुपए का। वही दोस्तों आपको बता दें कि मास्टर फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में हिंदी वर्जन में कमाई की है लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए। अब बात की जाए इस फिल्म के 5वें दिन के कलेक्शन की, तो दोस्तों मास्टर फिल्म को 5वें दिन मॉर्निंग वाले शोज में ऑक्यूपेंसी मिली है 83% की। वही आफ्टरनून के शोज में मास्टर फिल्म को ऑक्यूपेंसी मिली है 86% और इवनिंग के शोज में मास्टर फिल्म की ऑक्यूपेंसी थी 91% की। तो दोस्तों जिस तरह मास्टर फिल्म को 5वें दिन ऑक्यूपेंसी मिली है उसके हिसाब से लग रहा है कि यह फिल्म 5वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन कर सकती है लगभग 12 करोड़ रुपए। अगर 12 करोड़ रुपए ये फिल्म 5वें दिन कमा लेती है तो मास्टर फिल्म का शुरुआती 5 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 94 करोड़ यानी कि 94 करोड़ रुपए। वही 5 दिनों में मास्टर फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो जाएगा 142 करोड़ से 145 करोड़ के बीच में। बता दो दोस्तों मास्टर फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो चुकी है।